प्यार करना एक अधिकारी को इतना महंगा पड़ गया कि उसकी लिव इन पार्टनर को ही युवती के घर वाले ले गए और वो कुछ न कर सका। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असल में हरियाणा के वक्फ बोर्ड में संपदा अधिकारी के साथ घटित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कैथल में पद्मा सिटी मॉल के निकट एक होटल में हरियाणा वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को उसके ही परिजन कमरे का दरवाजा तोड़कर जबरन उसके साथ ले गए। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक मेवात जिले के गांव शिकरावा का रहने वाला वसीम अहमद हरियाणा वक्फ बोर्ड के जिला कार्यालय में बतौर संपदा अधिकारी कार्यरत है। उसके साथ उसके गांव की युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिस संबंध में उन्हें हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। लेकिन मंगलवार को 9:32 पर होटल मालिक ने फोन करके उसे सूचित किया कि आपके साथ रहने वाली लड़की को 15-20 लोग जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उसने तुरंत ही डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित। जब तक वो और पुलिस मौके पर पहुंचे, वो लोग कमरे का दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले जा चुके थे। ये यहाँ संपदा अधिकारी है वसीम, वो जो है लिव इन रिलेशन में यहाँ पे रह रहा था, तो लड़की के जो फादर हैं वो आए और उसको लड़की को ले गए। और ये मेवात के रहने वाले हैं और हमने टीम वहाँ भेज रखी है, जैसे ही उसका कुछ पता लगेगा हम आगे आपको बता देंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर क्या कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं, कितने बंदे थे, किस तरह से लेके गए, अगवा करके ले गए, क्या कुछ बताया? भाई कंप्लेनेंट ने जो है बताया कि लड़की, लड़की का पापा और चाचा भाई और 4-5 आदमी और थे। आरोपियों में शामिल नाम तारिफ हुसैन, जावेद हैदर उमरदीन, आरिफ आयुब याक और अन्य 12 लोगों के हैं। फिलहाल कैथल पुलिस की टीम महिला को पकड़ने के लिए मेवात गई है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।